शिवरात्रि और शिवलिंग आपने बोला दो चीजें हैं। तो शिवरात्रि क्या है? जो जिस तिथि जो होती है, प्रत्येक तिथि का एक देवता होते हैं, तो चतुर्दशी तिथि के देवता शिव होने के कारण, भगवान शिव, इसलिए इसको शिवरात्रि की तिथि कही जाती है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है वह महाशिवरात्रि कही जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा, इन दो ग्रहों का आपस में मिलन होता है। जीवन रूपी चंद्रमा जब शिव तत्व रूपी प्रकाश के साथ मिलन करता है, तब उसके अंदर एक महाशिवरात्रि का उद्बोधन होता है। एक महाशिवरात्रि जो है उनके अंदर उद्भूत होती है। यह शिवरात्रि का महत्व है। अच्छा, अब शिवरात्रि हो गया। और शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? महाशिवरात्रि के दिन ही पुराणों में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु में किसी विषय को आपस में एक दूसरे के महत्व को लेकर के विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, विष्णु ने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ। इधर ब्रह्मा ने भी पशुपास्त्र चढ़ा दिया, इधर भगवान नारायण ने भी अस्त्र चढ़ा दिए। दोनों अस्त्र में टंकार होने के कारण युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हो गई, तब देवताओं में हाहाकार उत्पन्न हुआ। देवता विश्वनाथ के पास गए, उनसे जाकर के उन्होंने विनती की। विनती करने के बाद भगवान शिव जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसी समय रात्रि के समय दोनों लोगों के बीच से एक लिंग रूप में प्रकट हुए और दोनों लोगों के अस्त्र को अपने अंदर समाहित कर लिया। दोनों लोगों के युद्ध को शांत कराया भगवान ने। और उसके बाद दोनों लोगों ने पूजा अर्चना की और उसी समय उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को द्वादश जगह पर भगवान विश्वनाथ ने, भगवान शिव ने अपने आप को विभक्त कर लिया। ये है जो है शिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। जय विश्वनाथ।